दोस्तों, मेरा नाम अनुभव वशिष्ठ है और मेरे पेज का नाम साइक्लोन अन्नू है। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अपनी साइकिल लेकर चल दिया हूँ आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाने, एक्चुअली जगह दिखाने। जब आप लोग मेजरली क्या होता है, जब हम लोग देहरादून, मसूरी या फिर हरिद्वार, ऋषिकेश जाते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है मुरादनगर में छोटा हरिद्वार। तो आज मैं वहीं तक गया, अपनी साइकिल लेके जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करें। हाय, ये है मेरी साइकिल, एक्चुअली मेरा साथी, तो अब मैं इसको लेकर चलता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली 40 किलोमीटर्स, गाजियाबाद 23 किलोमीटर्स, नोएडा 34 किलोमीटर्स। तो गाइस, जैसे कि मेरे ड्रोन जैसे कि NH58 है तो हमें बड़ा केयरफुली हमें साइकिल चलानी पड़ती है। टाइम हुआ है 5:11 अप्रोक्स। 11 मिनट में मैंने 3 से 4 किलोमीटर कवर कर लिया है। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्पीड, और इसी स्पीड से चलता रहा तो और मैं 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। मेरे को लगता है जो सुबह सुबह राइडर्स होते हैं, हाँ मानता हूँ कि राइडर्स राइडिंग लोगों का शौक होता है बाइक राइडिंग। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, जैसे कि JS फिल्म, जाट परवजोत और भी बहुत सारे बाइकर्स हैं जो अपने ब्लॉग्स बना बना के डालते हैं। एक्चुअली हाँ, अच्छी बात है, लोगों का शौक होता है बाइक चलाना। और अभी मेरी एज भी नहीं है बाइक चलाने की, तो मेरे को लगा कि मेरे को साइकिल से बनानी चाहिए, तो इसलिए मैं साइकिल से स्टार्ट किया। और साइकिल तो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है, एक तो हम पेट्रोल बचा रहे हैं। मैं पिछले 15 मिनट से साइकिलिंग कर रहा हूँ और अभी तक मेरे सामने सिर्फ एक या दो अंकल आए हैं जो साइकिल चला रहे थे। और मेरे को लगता है कि मतलब जो बच्चे होते हैं 16-17-18 साल के, उन्हें तो सुबह को साइकिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि माइनर रेंज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अब हम मतलब हमें बाइक चलानी आ गई, कि पापा बाइक चलानी सिखा दो, साइकिल चलाएं। तो मैं साइकिल की एक बात बताता हूँ। एक बार मैं जा रहा था मान पास तक, तो वहाँ पर मेरे को 2 कॉर्नर्स मिले और वो लोग साइकिलिंग करते ऊपर जा रहे थे, और हम लोगों की गाड़ी फंस गई तो वो इजीली साइकिल निकाल के ले गए। तो थोड़ी दूर जाकर के वो लोग रुके, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। तो मेरे को उनकी एज अबाव 50 लग ही रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी एज अप्रोक्स अंकल कितनी होगी, तो उन्होंने बोला 63। और मैं शौक था कि हाँ मतलब मैं अभी 16 साल का हूँ और मैं इतनी साइकिल मैं भी नहीं चला पाऊँगा, तो वो लोग 63 की एज में साइकिल चला रहे हैं। तो ये सब ना हमारे दिमाग में होता है कि हम साइकिल नहीं चला सकते या फिर हम थक जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं। लोग क्या करते हैं, जिम में जाते हैं 15-20 मिनट साइकिल चलाते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ अपना पसीना बहाने वाली बात है, तो आप जिम से भी निकाल सकते हैं। इंडिया की मोस्ट 5 पोल्यूटेड सिटी में दिल्ली आता है सेकेंड नंबर पर। और मेरे को लगता है कि सुबह सुबह तो जो लोग दिल्ली NCR और दिल्ली के आसपास गुड़गांव और इधर आप गाज़ियाबाद की तरफ रहते हैं, उनको तो सुबह सुबह साइकिलिंग या रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह को फ्रेश एयर मिल सकती है। लोग सोचते हैं हम लोग जिम में जाएंगे, जिम में जाके हम 15-20 मिनट साइकिलिंग चलाएंगे, उसके बाद हम लोग जिम करेंगे, तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, उससे आपका स्वेट बाहर आएगा शरीर का, लेकिन वो जो फ्रेश ऑक्सीजन आपको सुबह मिल सकते वो नहीं मिल पाएगी। थोड़ा मतलब हार्ड होता है सुबह उठ के जाना, और बड़ा लेजीनेस होता है सुबह सुबह की नींद बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं और जब 2 से 3 मिनट साइकिल चलाने के बाद आपको इतना फ्रेश फील होता है, तो आपको भी लगता है कि हाँ मेरा अच्छा डिसीजन था या मेरा गुड डिसीजन था ये। अभी पिछले 2-3 साल में छोटा हरिद्वार कुछ ज़्यादा फेमस हो गया है। पहले यहाँ पे आसपास के शहर ही आया करते थे, लेकिन जैसे NH58 पे पड़ता है तो दिल्ली और हरियाणा जाने वाले लोग भी इस पर रुक कर जाना शुरू कर दिए हैं। और गाइस, अभी 5:25 हो रहे हैं और सुबह को ही आप देख सकते हैं
इतने सारे लोग मेरे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। छोटा हरिद्वार इसको ऐसे बोले क्योंकि ये कुछ हर की पौड़ी की तरह लोग आती है इसकी, और ज़्यादा भीड़ इस पर सुबह सुबह इसलिए मिलते हैं कि NH-58 पे ये पड़ता है तो जो टूरिस्ट होते हैं। अच्छा, मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप लोग इधर से निकले तो अवॉइड करना दिन में आना यहाँ पे जून और जुलाई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आसपास के शहर और ऊपर से टूरिस्ट, तो पुलिस बैरिकेडिंग कर देती है अप्रोक्स 1 किलोमीटर पहले, आप लोगों को पैदल ही चलना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम आती है सब चीज़ों में। और ये खड़ी हुई है मेरी साइकिल, ये भाई भी यहाँ पे आया हुआ है साइकिल लेके अपने 6 बजकर 1 मिनट, और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्विमिंग करी। ये भैया बोल रहे थे कि उधर जा सकते हैं लेकिन हम लोगों को डर लग रहा था, तो अभी हम लोग आगे एक रिजॉर्ट है उसको देखने जा रहे हैं। रास्ते में एक मेरे को मेरा दोस्त मिल गया, ऐसे दोस्त नहीं, मेरे स्कूल में मेरा जूनियर था, मेरे को वो मिल गया, तो मेरे को भी एक कंपनी मिल गई, मैं घर से अकेला चला था। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, एक साइकिल पर बैठा हुआ है, वो दिल्ली से आया हुआ है। छोटा हरिद्वार से तो हम लोगों ने सोचा कि रिजॉर्ट की तरफ चले जाएं, तो रिजॉर्ट के रास्ते में हम लोग बंदर मिले, तो बंदर की वजह से मैंने साइकिल थोड़ी ज़्यादा चला दी तो मेरा गियर बॉक्स टूट गया, तो उसमें दिखाता हूँ गियर बॉक्स से क्या हाल हुआ। अभी एक्चुअली मेरे को साइकिल कैसे चलानी पड़ रही है, मैंने ऐसे बांधी हुई है, वो मेरी साइकिल है, ये वो दोस्त है जो मेरे को बाद में मिला था,